नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। हिंदू संगठन के सदस्यों ने विवादों के चलते प्रेमनगर स्थित रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मी के घर में घुसकर बेटे को पीटा, सिर में आई गंभीर चोट, पुलिस मौके पर पहुंची। उचहरा के क्रांति चौक के SBI की ATM मशीन से निकले 7,000 रुपए के कटे फटे नोट, युवक ने तत्काल शाखा प्रबंधक के साथ बैंक द्वारा जारी नंबर पर दी सूचना। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता कौम बादल रामपुर बघेलान ने संयुक्त किसान मोर्चा के 16वें दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन को करेंगे संबोधित। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई आयोजित, जिसमें कलेक्टर CEO हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मझगवा में पशु परिवहन कर रहा ट्रक पिंडरा से बरौंदा रोड के पास अनियंत्रित होकर पुलिया से कूदा, जिसमें 6 भैंसों की हुई मौत और जीवित भैंसों को पिकअप में लोड कर ड्राइवर हुआ रफू चक्कर। सिटी कोतवाली थाने से 100 कदम दूर स्थित पोस्ट ऑफिस में चोरी की असफल कोशिश, सुनियोजित तरीके से वारदात को दिया गया अंजाम। सिविल लाइन मुख्तियारगंज रेलवे फाटक से जान जोखिम में डालकर निकलते हैं लोग, कर रहे हैं ब्रिज बनाने की मांग। मैहर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने पहुंचे दिल्ली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सतना चौराहे में पुलिस आरक्षक पर बोरी सीमेंट की ब्लैक में बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को रामपुर बघेलान पुलिस ने किया गिरफ्तार। संसद में मोदी जी ने एक बार फिर से किसानों को लेकर सियासत करने वालों को जमकर घेरा, बोले आंदोलन की पवित्रता नष्ट कर रहे हैं आंदोलनकारी। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके। लोकसभा में PM मोदी ने किसानों से की अपील, कानून में बदलाव के लिए चर्चा को तैयार है सरकार। PM के संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसदों का हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी बोले सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है बदलाव। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी। 11 फरवरी को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, बिहार में परिवर्तन रथ यात्रा के 4th चरण की करेंगे शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 नए मरीज आए सामने, 94 लोगों की हुई मौत। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, काला कुर्ता भगवा गमछा और माथे पर दिखा लाल टीका। फतेहाबाद से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड, किसी भी आपात स्थिति में निपटने की तैयारी। उत्तराखंड के चामोली आपदा में अभी भी जारी है लोगों की तलाश, 172 लापता लोगों की कोई नहीं मिला सुराग।
जारी है बीजेपी का मिशन बंगाल। पश्चिमी मिदनापुर से जेपी नड्डा ने चाय पर की चर्चा, दिलीप घोष भी हुए शामिल। कोलकाता के हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगाया जय श्री राम का नारा, कहा भगवा कपड़ों पर बीजेपी का नहीं है अधिकार। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल, और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।